পঞ্চায়েতের উপনির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করলো কংগ্রেস। রবিবার কংগ্রেস ভবনে এনডিএ রাজ্য কংগ্রেসের একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর ছাড়াও প্রাক্তন সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, গোপাল রায়, সুবল ভৌমিক প্রমুখ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রদেশ সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, লোকসভায় সারা দেশে কংগ্রেস যে ফলাফল করেছে তার তুলনায় ত্রিপুরায় ফলাফল সবচেয়ে ভালো হয়েছে। ত্রিপুরার ফলাফল নিয়ে তিনি এআইসিসিকে জানাবেন। প্রদ্যোৎ জানিয়েছেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে লড়বে কংগ্রেস। पंचायत इलेक्शन के लिए आने वाले दिन में कैसा प्रिपरेशन करेंगे, ये मीटिंग पीसीसी का स्पेसिफिकली पंचायत इलेक्शन के लिए। लोकसभा इलेक्शन जे দুটি আসনে কংগ্রেসের যে হার, মানে যে যেরকম আশা করা হয়েছিল সেরকম তো রেজাল্ট হয়নি, সে লোকসভা নির্বাচনে কোনো পর্যালোচনা করা হবে কি? আপনারা যারা আশা করেন, আপনি তো মুঝে আনসার দিয়ে দিয়ে থাকেন, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछिए। लोकसभा निर्वाचन नहीं है कोनो आलोचना? हाँ, तो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, इससे पहले तो आपने आंसर दिया था ना मुझे, अभी सवाल है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारा जमानत जब्त होगा लोकसभा में, जमानत जब्त नहीं हुआ, जमानत उनके अलायंस पार्टनर का जमानत जब्त हुआ। उन्होंने कहा था कि हम सब लोग कह रहे थे, आपके बहुत दोस्त लोग कह रहे थे कि हम फोर्थ पोजिशन में आएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ है कि आज कांग्रेस जिसके पास एक एमएलए भी नहीं है वो 10 या 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका लीड हुआ है और बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में सेकेंड आए हैं और आज वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी त्रिपुरा में है। तो लोकसभा का प्रदर्शन आप पूरे इंडिया में देखेंगे और त्रिपुरा में देखेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आप देखेंगे वोट शेयर जंप में त्रिपुरा में ही होगा। और ये बात हम लोग दिल्ली में बात करेंगे, पीसीसी का जो रिजल्ट होगा वो दिल्ली में बात होगा। आज का मीटिंग स्पेसिफिकली पंचायत इलेक्शन के लिए। Pure report, Channel Din Rao.